हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में TPRM यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल से आज एक नया आपके लिए मटेरियल लेकर आया हूं, पीटीएफई यानी कि पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। इसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पीटीएफई हमारा क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन के बारे में। तो पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है हमारा। इट इज अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, और ये हमारा ऐसा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर होता है, यानी कि इट इज अ फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमरिक मटेरियल। फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर जो है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, या हम कह सकते हैं कि यूनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि जो ऐसे पॉलीमर हमारे जिसमें फ्लोरीन और कार्बन प्रेजेंट है ग्रुप, तो उसकी वजह से उसमें क्या होते हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टीज उस मटेरियल के अंदर आ जाती है, या यूनिक प्रॉपर्टी हमें क्या है उसमें देखने को मिलती है। तो फ्लोरीन कंटेंट मेक्स इट अ यूनिक मटेरियल। फ्लोरो पॉलीमर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पीटीएफई यानी कि पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, सेकंड है हमारा एफईपी फ्लोरो एथिलीन प्रोपिलीन को पॉलीमर, थर्ड हमारा पीसीटीएफई यानी कि पॉली क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन, पीबीएफ पॉली विनाइल फ्लोराइड PVDF पॉली विनाइलाइडीन, फ्लोराइड एटसेट्रा। ये सभी हमारे क्या हैं, सब फ्लोरीन कंटेंट यानी कि फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर्स हैं। इन सभी में फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर्स यानी कि फ्लोरीन हमारा जो है वो कंटेंट प्रेजेंस है। पीटीएफई, एफईपी, पीसीटीएफई, पीवीएफ और पीडीबीडीएफ। फ्लोरो पॉलीमर्स में फ्लोरीन और कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। फ्लोरीन और कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग
इसमें क्या करती है, इसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करती है। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे पीटीएफई के बारे में, बाकी के मटेरियल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो पीटीएफई की सबसे पहले किसने डेवलप किया, इसको कैसे बना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ पीटीएफई, पीटीएफई की अगर हम बात करें तो इसे सबसे पहले आईजी फॉरवेन ने 1934 में पेटेंट या हम कह सकते हैं डेवलप किया था। आईजी फॉरमैन ने डेवलप किया था, लेकिन जो हमारा इसमें पीटीएफई है इसकी जगह इन्होंने क्या यूज किया था, पीसीटीएफई, जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया है, पॉली क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन। तो सबसे पहले हमारा पीसीटीएफई फॉर्म किया गया था। इस पॉलीमर में क्या था कि कुछ प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डेवलप नहीं थी, जो प्रॉपर्टीज चाहिए थी वो प्रॉपर्टीज इसमें पूरी तरह से डेवलप नहीं थी। इस वजह से इसको क्या किया गया, दोबारा इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की गई, और इसके बाद जो प्लैंकेट थे, प्लैंकेट ने इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके प्लैंकेट ने 1938 में पीटीएफई पॉलीमर को डेवलप किया। और इसी के साथ ही इन्होंने क्या किया, एक मोटिवेशन दिया, और इस मोटिवेशन की वजह से ही बाकी के जो और फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर्स हैं हमारे, ये डेवलप किए गए। ये था इसका छोटा सा हिस्ट्री, या छोटी सी हिस्ट्री की हम बात करें। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि पीटीएफई हमारा क्या इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ पीटीएफई, पीटीएफई पॉलीमरिक मटेरियल हमारा क्या है, एक हाई थर्मल स्टेबिलिटी रखता है, यानी कि इट हैव अ हाई थर्मल स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी जो है वो पीटीएफई हमारी क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन फ्लोरीन की स्ट्रांग बॉन्डिंग है इसलिए। और जितने भी हमारे बाकी जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर्स हैं, उन सभी में हीट रेजिस्टेंसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद जो कन्वेंशनल थर्मोप्लास्टिक टेक्निक्स से इसको बनाया गया, उसमें प्रॉपर्टीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी इसमें मेल्ट प्रोसेस से पीटीएफई में मिलती हैं, यानी कि जो हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस से अगर हम पीटीएफई नॉट हैव बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन टू मेल्ट प्रोसेस, फॉर्म पीटीएफई, ठीक है। और मेल्ट प्रोसेस से इसमें क्या होता है, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं, लाइक गुड केमिकल
इलेक्ट्रिकल और नॉन स्टिकी, या हम कह सकते हैं एंड लो फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज, इसमें क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा डेवलप हो जाती है। अगर इसमें अगर हम कार्बन और फ्लोरो फ्लोरीन की बात करें तो इनके स्टेबल बॉन्डिंग की वजह से इसमें जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी भी कुछ स्पेशल अपीयरेंस रहता है, जिसकी वजह से इसमें हमारे क्या है पीटीएफई में आउटस्टैंडिंग हीट रेजिस्टेंसिबिलिटी केमिकल रेजिस्टेंसिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन करैक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पीटीएफई, इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इस तरह का होता है पी टी एफ ई पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। अगर इसकी कंपैरिजन में हम बात करें पी सी टी एफ ई की पी सी एफ ई की, तो हमारा पी सी टी एफ ई यानी कि पॉली क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा किस तरह का होगा, तो यहां पर क्या हुआ कि एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल हमारा कम होकर एक क्लोरीन का जुड़ जाता है और इसको पीसीटीएफई यानी पॉली क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन बनाता है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल फॉर्मूले की। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीटीएफई बहुत ही सिंपल सा है, C2F4। ये क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है। यह पी टी एफ ई टेट्रा फ्लोरो एथिलीन यानी कि टी एफ ई टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, इससे हमारा क्या होता है पी टी एफ ई ऑब्टेन होता है और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, जिससे यह मटेरियल हमारा या पी टी एफ ई मटेरियल जो है वो फंक्शनली और प्रैक्टिकली वाइड रेंज में, या हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है या फिर यूज होता है। ठीक है, तो ये था इसका केमिकल फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में, किस तरह से
इसको हम प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ पीटीएफई को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करें पीटीएफई की प्रिपरेशन की, तो कॉमर्शियल बेस पर फ्लोरोस्पर सल्फ्यूरिक एसिड, और क्लोरोफॉर्म द्वारा रिएक्शन कराकर पीटीएफई को प्रिपेयर किया जाता है। और इसकी प्रिपरेशन जो है वो हमारी टू स्टेप में होती है। इट इज प्रिपेयर इन टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फ्लोरोस्पर है, फ्लोरोस्पर यानी कि CaF2, फ्लोरोस्पर क्या है, वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और इसके बाद क्या बनाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि HF को फॉर्म करता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जो HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट टू क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या बनाएगा, मोनो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन यानी कि CHCl F2, ठीक है, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन को फॉर्म करता है। और इसके बाद प्लेटिनम ट्यूब द्वारा पायरोलिसिस रिएक्शन कराते हैं हम, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन की हम प्लेटिनम ट्यूब में पायरोलिसिस रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के बाद हमें टीएफई मोनोमर मिलता है या प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद में जो हमारा टीएफई मोनोमर है उसका हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं और यहाँ से हमें क्या मिलता है, पीटीएफई। तो इस तरह से हम पीटीएफई को प्रिपेयर करते हैं। पीटीएफई की अगर हम बात करें, पीटीएफई यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसको हम टेफ्लॉन नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा टेफ्लॉन वर्ड पेंट में भी यूज किया जाता है पीटीएफई, और बहुत वाइड यूज है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन, और हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो पीटीएफई हमारा यूज होता है।